आशीर्वाद है मेरा प्लेटफार्म नंबर टू को, और ये फिल्म अच्छी चले जिस तरह बाकी फिल्में चलती हैं। जो मैं भोजपुरी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह आपने बाकी फिल्मों को प्यार दिया है, पवन जी को, खेसारी को, विराज भट्ट जी को, मनोज तिवारी जी को, रवि किशन जी को, उसी तरह इस नए बच्चे को भी प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ये लड़का बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाया है और खुद दिन रात लगा रहता है, दिन रात खुद एक्टिंग के साथ साथ ये प्रोडक्शन भी करता था, डायरेक्शन में भी घुसा रहता था, ये आर्टिस्टों को लाना बहुत मेहनत करता था। तो मैं दर्शकों, आप भोजपुरी के सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस बच्चे की, और ये हीरोइन हमारी जो रेशमा जी है, इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत की है। कई बार प्रोड्यूसर से छोड़कर भाग भी जाते थे कई कई दिनों तक प्रोड्यूसर दिखे नहीं। मैं तो जब शूटिंग कर रहा था तो कोई प्रोड्यूसर था ही नहीं वहाँ, तो फिर भी ये दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके और फिल्म को यहाँ तक लाया है। और प्लेटफार्म नंबर टू एक अच्छी फिल्म है, दर्शकों को इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए अच्छी फिल्म है। इसे मैं एक अनाथ हूँ और मेरा नाम किशन है, और जो कि अनाथ रहता है तो अनाथ समझ सकते हैं कितना टॉचरेबल हुआ होगा रियली में। बहुत अच्छी है, मेरा किरदार है, जब आप फिल्म देखोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। जैसे कि पोस्टर पे आपका लुक दिख रहा है, बिल्कुल अलग है, कितना मेहनत करनी पड़ी वो लुक लाने में? बहुत ही कड़ी मेहनत करना पड़ा था मुझे, और बहुत मेहनत करता था। फाइटिंग का एक्शन सीन में मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत होता था, लेकिन मैंने ज़बरदस्त किया है। आप जो फिल्म देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। प्रोड्यूसर के बारे में कहना चाहूँगी कि वो बहुत सपोर्ट था, उन्होंने हमें बहुत काफ़ी सपोर्ट किया है, हर लास्ट तक हम लोगों के साथ रहे, और डायरेक्टर ने अच्छा काम किया है। केके जी हैं, सीमा सिंह जी हैं, केके जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और सीमा जी भी है जिसमें आइटम सॉन्ग किया हुआ है, बालेश्वर जी भी है जिन्होंने अच्छा सपोर्ट किया हम लोगों का। लास्ट तक आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो बालेश्वर जी की वजह से ही, और हमारे रामचंद्र जी है जो हमारे प्यारे हैं, वो अभी हम लोग का सपोर्ट मैं उनके, दे रहे हैं। एक मिनट, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि वो भी बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लेटफार्म नंबर टू जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फिल्म है, ये एडिट हुई है मेरे सामने और खूबसूरत वादियों में शूट किया इन्होंने, रांची के बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन पर इन्होंने शूट किया। इसे गाने बहुत अच्छे हैं और एक लॉन्चिंग के लिए बेस्ट फिल्म इनके लिए, और इन्होंने भी बहुत ही उमदा काम किया इस फिल्म में। ये एज ए हीरो उसमें कर रहे हैं, रेशमा हैं जो हीरोइन हैं, दोनों लोगों का काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरा भाई इसमें जो है कर रहा है, और फिल्म बहुत अच्छी है, और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। नमस्कार, आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें, बहुत अच्छी फिल्म है, बस और मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत बधाई दूंगा राहुल जी को, उनकी ये प्लेटफॉर्म नंबर टू जिसका आज फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है, और बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने। मैंने थोड़ा सा उनका देखा है फिल्म का लुक, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये फिल्म रिलीज़ हो तो आप लोग ज़रूर जाके इसे देखिए। राहुल जी ने बहुत मेहनत किया है इसमें,